कल रास्ते में बढ़िया पढ़ रहा था, लेकिन रात को 12 बजने से 5 मिनट पहले मुझे याद आया कि आज मेरा बर्थडे आने वाला है। तो सोच रहा था कि यार कोई तो मिस कर देगा, एटलीस्ट एक बंदा या बंदी तो मिस कर ही देगी। आज मेरा बर्थडे है, 12 बज गए, 1 बज गया, कोई ने विश नहीं किया। सो गए, सुबह उठ के जब मोबाइल उठाया, सबसे पहले देखा, अरे किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। पूरा दिन ऐसे ही चला गया यार, कोई तो बर्थडे मिस कर दे, कोई तो है जिसको याद आ जाए कि आज मेरा बर्थडे है। लेकिन जब कोई ने विश नहीं किया, तब मैं थोड़ा सा सैड हो गया। हर कोई होता है, मैं भी हुआ। तो मुझे लगा कि यार अब क्या करें, कोई बर्थडे विश नहीं कर रहा यार। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं पहले बर्थडे विश करता था मुझे कोई, तो आंसर है नो। पहले मैं बर्थडे मनाता ही नहीं था, घरों में कभी बर्थडे मनाई नहीं मेरा, है ना। वो तो स्कूल के बाद से भी कहानियाँ शुरू हुई थी, तो आज भी चल रही हैं। और फिर बर्थडे के दिन मैं हमेशा स्पेशल करता था कि मैं कुछ अच्छा काम कर देता था, किसी की हेल्प कर देता, किसी को खाना खिला देता, तो उस टाइम मैं खुश रहता था। लेकिन अभी 1-2 साल से मेरा ये सब बंद हो गया था। देन आज शाम को फाइनली, फिर मैंने जब दिन भर का मूड ख़राब हो गया था, दिन भर मूड ख़राब रहा, फिर मैंने फाइनली वो काम किया जो मुझे पहले बहुत खुशी देता था। तो फिर मैंने वही काम किया, अब मैं देखो खुश हूँ। इसलिए अब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ कि जब आपको कोई बर्थडे विश ना करे तो आप क्या कर सकते हैं। तो आंसर है कुछ नहीं करना है, कोई बर्थडे विश नहीं करे तो कोई बात नहीं। और अगर ज़्यादा ही आपको दिक्कत हो रही है तो जा कॉल करके बोल दो, जैसे मैंने अपनी फैमिली वालों को बता दिया, दीदी को बता दिया, दीदी आज मेरा बर्थडे है, आपने विश नहीं किया। खुद जा खुद कॉल करके बता दिया कि दीदी आज मेरा बर्थडे है, विश कर दो। तो दीदी ने विश कर दिया, और लोगों को भी बता दिया, तो और लोगों ने भी कर दिया। लेकिन ठीक है, ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप बर्थडे है तो ठीक है ना, आप कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो जो आपको पसंद है। तो मुझे जो पसंद था मैं उसको कर आया, लेकिन मैं आपको पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता वो चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ प्राइवेट रखनी चाहिए मेरा मानना है। और किसी की हेल्प कर रहा है तो स्पेशली उसको प्राइवेट रखना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी ना पता चले कि उसकी हेल्प हुई है। तो मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, तो मैंने अच्छा खाना बनाया था आज, और किसी अच्छे व्यक्ति के लिए जिसको खाने की ज़रूरत थी उसको खाना खिला के आया, उसने भरपेट खाना खाया, तो आज मेरा भी दिन बन गया और उसका भी बन गया होगा क्योंकि उसको अच्छा खाना मिल गया। तो ये इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। और हर साल ये बर्थडे गिफ्ट मैं अपने आप के लिए देता था, लेकिन 1-2 साल से मैं फालतू की झंझट में पड़ पड़ के दोस्तों यारों के चक्कर में पागल हुआ पड़ रहा था कि यार ये तो दोस्त हैं मेरे, बड़े महान दोस्त हैं। ठीक है, खैर ठीक है, वो अपनी जगह सही है, वो सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी बर्थडे था तो थोड़ा सा एक अंदर से वो वाली फीलिंग दिक्कत होती रहती है। खैर ठीक है, कुछ नहीं है, और उनको अपनी पढ़ाई करना है, ये सब चीज़ें फालतू हैं, IAS एस्पिरेंट को ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब तो जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको भूल के आगे बढ़ते रहना होता है, और हमें अपना काम करते रहना होता है। तो ठीक है, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, इसको सोच रहा था थम्ब, इसको निकाल के इसी को पी लूँ क्या, बट यार फिर याद आया कि हम तो पीते ही नहीं हैं, हमें शौक ही नहीं है पीने का, क्या करेंगे। खैर ठीक है, तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। दीपन कुशवाहा ब्लॉग के साथ ऐसे बने रहिए, आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से हम ऐसे ही वाकिफ कराते रहेंगे, मज़े आते रहेंगे आपको। और ये ब्लॉग्स लाइफ, सक्सेस, लव, धोखा, हर चीज़ के लिए, आपकी हर लाइफ से रिलेट कर पाओगे आप इसको, स्टूडेंट लाइफ से रिलेट कर पाओगे। और कुकर की सीटी आने वाली है, खाना पक गया है, तो आई थिंक अब मुझे खाना खाना चाहिए। ओके, गुड बाय।